दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सुबह के वक्त घर के मुख्य द्वार पर पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होता है। धार्मिक मान्यता भी यही कहती है, सुबह उठते ही घर में सभी खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। वहीं वास्तु में यह भी कहा गया है कि सभी खिड़की दरवाजे खोल देने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके साथ ही वास्तु में यह भी बताया गया है कि स्नान के बाद मुख्य द्वार पर 3 चीज़ों का छिड़काव करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और आप जल्दी ही अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कौन सी ये 3 चीज़ें हैं। धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को बहुत ही शुभ माना गया है और पानी में मिलाकर इसे सुबह मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर में शुभता बढ़ती है और माता लक्ष्मी भी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। सुबह की पूजा के वक्त तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लें। पूजा समाप्त होने के बाद इस जल को लाकर मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर में आसपास पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपके घर में भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ़ सफाई और शुद्धता के लिहाज से वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तु के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए इसके लिए हम काफ़ी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफ़ी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में खुशियां आने लगती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें तो ज़्यादा लाभ होता है। गंगा जल को धार्मिक मान्यताओं में यानी कि सबसे पवित्र जल माना गया है। कहते हैं कि गंगा जल में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति होती है। रोजाना घर के मुख्य द्वार पर कुछ बूंद गंगा जल की जरूर छिड़कें। ऐसा करने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी और आपका तनाव दूर होगा। साथ ही हर प्रकार की नकारात्मकता आपके घर से दूर भाग जाएगी। तो दोस्तों, वास्तु में नमक को भी बहुत खास माना गया है। नमक के पानी को पोछा कई लोग अपने घर में रोजाना लगवाते हैं। इसके अलावा यदि आप रोजाना पानी में नमक मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़कें तो हर प्रकार के बैक्टीरिया का नाश होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नमक के पानी का छिड़काव करने से हर प्रकार के रोग और दोष आपके घर से कोसों दूर रहेंगे। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएँ इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेंगी और घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा जरूर रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
आपकी धन में आवक तेजी हो जाएगी। पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ता है। घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय खत्म हो जाता है। घर के किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 तुलसी के पौधे जरूर लगाएं। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की घर की अधिक मूर्ति या चित्र ना लगाएं, घर में क्लेश बना रहता है। किसी भी दो देवता की तस्वीरें इस प्रकार ना लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नैतिक कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे रहेंगे। दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण ना लगाएं। दर्पण सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अपने बेडरूम में भूलकर भी भगवान की तस्वीरें ना लगाएं। बेडरूम पति और पत्नी के संबंधों को दर्शाता है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध शुक्र से है। इसलिए जहाँ शुक्र होते हैं वहाँ देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, जो कि शुक्र के विरोधी हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर राहु और शनि का प्रभाव माना जाता है। बेडरूम में इनको रखने से इन अशुभ ग्रहों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने कमरे में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखें, इससे आपके प्रेम संबंधों में कोई व्यवधान भी नहीं आएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि बेडरूम में प्यार की निशानी ताजमहल को एक शो पीस या फिर तस्वीर को लगाने से आपसी प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल ताजमहल एक मकबरा है और किसी मकबरे की तस्वीर अपने कमरे में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। दोस्तों, सोमवार के दिन नहाते समय पानी में दूध डाल लें, इससे आपको शांति मिलेगी और तनाव भी दूर होगा। इतना ही नहीं, इससे ग्रह स्वामी भी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार और मंगलवार को नहाने के पानी में नमक मिलाकर जरूर स्नान करें, इससे आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और सकारात्मकता का संचार होगा। पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर गुरुवार के दिन स्नान करें। ऐसा करने से आपको गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ इस दिन पानी में लाल गुलाब डालकर स्नान करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने के पानी में थोड़ा सा कपूर डालने से तन और मन दोनों शुद्ध रहता है। वहीं थोड़ा चंदन डालकर स्नान करें, इससे विचारों से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार के लिए बल्कि ऊर्जा के लिए भी प्रवेश बिंदु होता है। वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम दिशा है, जो घर और घर के लोगों के लिए शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। मुख्य द्वार दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशाओं में नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ हो गया है तो आप इसे तुलसी का पौधा रख दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।